नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराबबंदी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। 3523 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द ही होगा साफ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हुई शुरुआत। कोहरे में अब कम होगी सड़क दुर्घटना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन हुआ शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शशि रंजन की। शशि रंजन का जन्म 29 सितंबर 1987 को बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। वो एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में काम करते हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत अपने पैतृक शहर मधुबनी में कम उम्र में की थी। दिल्ली के सिनेमाघरों में कई नाटकों में अभिनय करने के बाद शशि रंजन ने 2009 में स्टार प्लस के लिए डेली सोप तेरे मेरे सपने में समानांतर नेतृत्व के रूप में अपनी शुरुआत की। वो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के 80 से अधिक एपिसोड में दिखाई दिए। शशि को द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा में पंतर और तुम्हारी सुल्लू में रमेश की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अपराधियों के मनस्थिति को समझने के लिए पुलिस अब विशेषज्ञों की लेगी मदद। बिहार पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने तक अब सीमित नहीं रहने वाली है, जिसके तहत अपराधियों की मनस्थिति को भी अब पढ़ने का प्रयास पुलिस करने वाली है। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद दी जाएगी। पुलिस में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जाएगी जो गिरफ्तारी के बाद अपराधियों की काउंसलिंग करेंगे। अपराधियों के साथ पीड़ितों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उन्हें मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में अपराधियों की मनस्थिति को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने पर आला पुलिस अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ। गृह विभाग के अंतर्गत अलग से चिकित्सक, अभियंता और मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता और कैडर बनाए जाने पर भी बात हुई। 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रदेश के विभिन्न जिलों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बता दें कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में इन दिनों शराबबंदी कानून को लेकर बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार इस कानून की जमीन पर क्या स्थिति है इसकी भी पड़ताल कर लेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है इस पर भी बात होगी। यह यात्रा मोतिहारी में 22 दिसंबर से शुरू होगी और 15 जनवरी को पटना में इसका समापन होगा। इसी तरह उनकी 12 दिनों की यात्रा होगी जिसमें सभी जिले शामिल होंगे। यात्रा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले वो 12 यात्राएं कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही राज्य में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे। साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार फिसड्डी। आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक बीते दिन जारी की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर है, वहीं बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। बता दें कि 4 श्रेणियों में क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष विवेक देव रॉय द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने की चुनौती कठिन है, फिर भी इसे हासिल करना असंभव नहीं है। घरों के अंदर बढ़ी स्वच्छता। घरों के अंदर बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में बिहार में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। साथ ही साथ 5 सालों में राज्य के सभी जिलों में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार बिहार में 26.5% लोग बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करते थे, जो कि 5 साल में यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में बढ़कर 49.4% हो गया। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 22.9% से अधिक लोगों ने बेहतर घरेलू स्वच्छता पर ध्यान दिया। वहीं देश में 5 वर्षों में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा के उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 21.7% का इजाफा हुआ है। इस तरह बिहार ने राष्ट्रीय वृद्धि दर को भी पीछे छोड़ दिया। शराबबंदी को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। बिहार में भले ही लंबे समय से शराबबंदी कानून लागू हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन खूब हुआ है, जिसके कारण बिहार में तो सरकार की किरकिरी हुई ही है। साथ ही शराबबंदी को लेकर सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अब सख्त हो गई है। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फिर से एक गाइडलाइन जारी की है और अब होटलों में शराबबंदी कानून के खिलाफ शिकायत वाला टोल फ्री नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर होटल मालिकों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई होगी। नई गाइडलाइन का पालन शहर के सभी छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट को करना होगा। टोल फ्री नंबर 15545 और 1800-345-6268 को डिस्प्ले करना जरूरी हो गया है। प्रशासनिक स्तर से शहर में जगह जगह होर्डिंग बैनर भी लगाए जाएंगे और सभी पर टोल फ्री नंबर दर्ज होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार होटल और बैंक्वेट हॉल में भी हर हालत में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा ताकि घटना होने पर सीसीटीवी के जरिए साक्ष्य की पहचान हो सके। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिले में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। यह प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बाया नेत्र यहां गिरा था। यह स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यही उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मावती ने करवाया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां वर्ष भर पहुंचते रहते हैं। अन्य गंतव्यों में आप देवन वन मंदिर, जिसमें स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि सन 1009 में महाराज शालिवाहन द्वारा स्थापित किया गया था, वहां भी जा सकते हैं। 523 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द ही होगा साफ। बिहार में जल्द ही 3523 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मिल गई है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही शिक्षा विभाग इसको लेकर एक संकल्प जारी करेगा और इसके तुरंत बाद बहाली का स्केड्यूल भी जारी होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने यह साफ किया है कि राइट टू एजुकेशन के प्रावधान के मुताबिक ऐसे प्रारंभिक स्कूल जहां 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स नामांकित है, वहां एक एक फिजिकल टीचर की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर ही बिहार में 8386 पदों का सृजन किया गया है और इन आवंटित पदों के हिसाब से पिछले दिनों जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें सिर्फ 3523 अभ्यर्थी सफल हो पाए थे, जिनकी नियुक्ति अब जल्द ही होने वाली है। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का हल्ला बोल। बीते दो दिनों से बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों ने बिहार समेत देश भर में खूब बवाल काटा। इस दौरान सभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बिहार के लगभग सभी जिलों में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जो बैंक अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है उसके खिलाफ पूरे देश में बैंक कर्मी दो दिनों से हड़ताल पर है। इस बिल के आने से सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा, जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, साथ ही बैंक कर्मियों का भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा। हालांकि बैंक का यह हड़ताल केवल शुक्रवार तक ही था। उम्मीद है कि सोमवार से सभी बैंक सामान्य रूप से खोले जाएंगे। हालांकि बैंकों की हड़ताल के चलते देश भर के बैंकिंग कामकाज पूरी तरह प्रभावित भी हुए। सीएम नीतीश ने मधुबनी में किया कई योजनाओं का शुभारंभ। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी को कई बड़ी सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर में 405.66 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बराज निर्माण कार्य की शुरुआत की। साथ ही कमला बलान बाया और दाया तटबंध का उच्चीकरण पक्कीकरण कार्य फेज वन की भी शुरुआत की गई। इस पर 335.12 करोड़ रुपए खर्च की जानी है। पिपरा घाट से टेंघा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण होना है। बता दें कि बीते 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान से चुनाव जीतने को लेकर लोगों को धन्यवाद देते देखे गए थे। इसी के साथ डीएमसीएच की समीक्षा बैठक भी की थी। वहीं बीते दिन मिथिलांचल दौरे का दूसरा दिन था, जिसके बाद ही देर शाम सीएम नीतीश राजधानी पटना वापस लौट आए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हुई शुरुआत। बिहार में कोरोना के मामलों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी घबराने जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बिहार के अलावा अन्य राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों में हुई पुष्टि के बाद बिहार में भी अलर्ट बटन ऑन कर दिया गया है। यही कारण है कि निर्देशानुसार बिहार की राजधानी पटना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर जिला स्वास्थ्य समिति में भी ट्रेसिंग सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है। इसको लेकर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों का पहले भी ट्रेसिंग कर जांच किया जाता था, लेकिन ट्रेसिंग सेल के खुलने से ट्रेसिंग को लेकर एक जिम्मेदारी तय होगी। कोहरे में अब कम होगी सड़क दुर्घटना। बिहार में ठंड का सितम आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसमें कोहरे की समस्या से भी जल्द ही बिहारवासियों को सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बार लोगों को कोहरे में परेशानी ना हो इसको लेकर खास तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोहरे के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर जिलों में रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान चलाया जाएगा। इस बाबत परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व के वर्षों में ठंड के महीनों में कोहरे और धुंध के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या राज्य में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण अंश रहा है।
2020 के मुकाबले 63% अधिक अभियुक्तों को हुई सजा। बिहार सरकार की कोशिश है कि बिहार में अपराध का ग्राफ कम हो, यही कारण है कि सजा दिलवाने के मामले में बिहार में सुधार हो रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब राज्य में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अदालत की तरफ से पिछले साल नवम्बर महीने में 1417 अपराधियों को सजा सुनाई गई थी, जबकि इस साल नवम्बर तक 2305 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा दी गई है। पिछले साल की तुलना में यह 63% अधिक है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल 25 मध्य निषेध के सबसे अधिक 25 कांडों की सुनवाई पूरे करते हुए 31 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। वहीं एक्ट में 21 मामलों में 25 को जबकि 19 मामलों में 46 अभियुक्तों को सजा दी गई है। बिहार की अदालतों में इतने लाख केस लंबित। बिहार में एक तरफ जहां सरकार अपराध को कम करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया बिहार में बेहद ही धीमी बताई गई है। यही कारण है कि बिहार की अदालतों में करीब 36 लाख मुकदमे लंबित होने की जानकारी निकल करके सामने आई है। इसकी जानकारी खुद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में दी है। इस दौरान कानून मंत्री ने बताया है कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 लाख से ज्यादा मामले 10 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें 4,38,000 क्रिमिनल और 63,241 सिविल मामले हैं। इनमें अधीनस्थ अदालतों में 33,73,000 और पटना हाईकोर्ट में 2,27,000 मामले लंबित हैं। पटना हाईकोर्ट में कोरोना महामारी को लेकर जनहित याचिका पर सरकार से जवाब तलब। कोरोना को लेकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पटना हाईकोर्ट भी सजग हो गया है। यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट लगातार कोरोना को लेकर जारी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात के संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे और सही तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से दायर विरोधाभासी हलफनामा पर ऑनलाइन उपस्थित सचिव अमृत प्रति ने अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में विस्तृत सही और पूरे तथ्यों के साथ हलफनामा दायर किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि बीते दिन से ही योजना के सफल लाभार्थियों के लिए चयन की रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में पटना में खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ के मौके पर यह घोषणा कर दी है। इसको लेकर शाहनवाज हुसैन ने साफ कहा है कि पहले जितना तय किया गया था उससे डबल यानी दोगुना उद्यमियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल 10 लाख लोन और अनुदान दिया जाएगा। 8,000 की जगह 16,000 आवेदनकर्ताओं का चयन पारदर्शिता से होगा। अस्पताल में जन्म के साथ ही बच्चों को मिल जाएगा आधार नंबर। जिन भी घरों में नवजात शिशुओं का जन्म हुआ है उनके लिए अहम सूचना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही अब अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही अस्पतालों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसके जरिए वो हाथों हाथ नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बना देंगे। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा है कि UIDAI नवजात शिशुओं को आधार नंबर देने के लिए बर्थ रजिस्ट्रार के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 99.7% वयस्क आबादी को आधार नंबर जारी किया जा चुका है। इसके लिए करीब 131 करोड़ आबादी को एनरोल किया गया है और अब हमारा प्रयास नवजात शिशुओं के नामांकन करने का है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में हर साल 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। हम उन्हें आधार में एनरोल करने की प्रक्रिया में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 96 अमीनों को किया बर्खास्त। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के 96 अमीनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इन अमीनों की बर्खास्तगी इसलिए हुई है क्योंकि विभाग को अमीनों की फर्जी डिग्री मिली है, जिसके लिए विभाग के भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय ने इन 96 अमीनों की इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट की जांच के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों को भेजा था, जिसमें सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए, जिसके बाद इन सभी बर्खास्त अमीनों से वेतन लौटाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, सेवा से बर्खास्तगी के बाद संविदा पर कार्यरत इन अमीनों के खिलाफ अब विभाग FIR दर्ज कराने जा रही है। ज्ञात हो, जमीन सर्वे के काम से में जुड़े इन अमीनों को पिछले साल जुलाई के महीने में संविदा पर चयन किया गया था। ये सभी अमीन पिछले 1.5 साल से राज्य में चल रहे जमीन सर्वे में अपनी भूमिका निभा रहे थे। अब हर 3 महीने पर अपडेट होगी मतदाता सूची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, एक ही मतदाता सूची तैयार करने जैसे फैसले शामिल है। मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूर किए गए विधेयक में सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया जाएगा। साथ ही इस विधेयक में यह भी बदलाव किया गया है कि अब 1 साल में 4 अलग अलग तरीकों पर मतदाता के रूप में आप नामांकन करा सकते हैं, या फिर हम आसानी से कहें तो नाम जुड़वा
करवा सकते हैं। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार हो जाएगा कि वो साल में एक बार की जगह चार बार मतदाताओं के क्वालिफाई डेट के अनुसार उनके नाम को सूची में शामिल करा सकेगा। बता दें कि देश में 1 जनवरी को आधार बनाकर 18 साल उम्र के मतदाताओं को शामिल किया जाता है, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। शराबबंदी के मामले को लेकर अब मांझी ने सरकार पर पक्षपात का लगाया आरोप। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जहां नीतीश सरकार सख्त नियम लागू कर रही है, तो उन्हीं के दल के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले थोड़ी थोड़ी पियो का ज्ञान देने के बाद बिहार में पूर्ण शराबबंदी पर फिर से सत्ता पक्ष में शामिल हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान राजनीतिक भूचाल ला रहा है, जिसके तहत ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लाए थे तो हम सभी ने इसका समर्थन किया था। हम उस इलाके से आते हैं जहां घरों में शराब बनाई जाती थी, लेकिन आज जो शराबबंदी पर कार्रवाई चल रही है उसमें पक्षपात हो रहा है। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर तेज प्रताप ने दिया बयान। बिहार में लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। इसी बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह मांग सबसे पहले हमारी माने की थी। उन्होंने कहा कि जब वो बिहार की मुख्यमंत्री थी तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से राबड़ी देवी ने ही विशेष राज्य की मांग की थी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से इसकी मांग कर रहे हैं, मगर सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। तेज प्रताप ने कहा है कि भाजपा के ये लोग चाहते हैं कि बिहार बर्बाद हो, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं चाहते। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिस तरीके से बिहार पूरी तरह से फेल है, क्योंकि बिहार सरकार के पास कोई नीति नहीं है और ना ही बिहार सरकार के पास खाद है। बिहार में महा जंगल राज है। ने महिलाओं को याद दिलाई उन्हीं की मांग। मधुबनी में बीते दिन सीएम नीतीश का दूसरा दिन था जहां उन्होंने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से मुहिम की शुरुआत की है। साथ ही इस दौरान उन्हें विपक्ष को आड़े हाथों भी दिया है, साथ ही साथ महिलाओं को भी उनकी मांग की याद दिलवाई है, जिसके तहत सीएम नीतीश ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर ही शराबबंदी किए थे, भूलिएगा नहीं। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम सभा कर रहे थे तो कुछ महिलाओं ने हमसे शराबबंदी करने को कहा, हमने उनकी बात गंभीरता से सुनी और सरकार के बाद सबसे पहले इसी काम को किया। अश्विन ने बेस्ट विकेट कीपर का बताया नाम। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अब तक के अपने क्रिकेट करियर में तीनों स्पिनर के साथ खेला है। ऐसे में उन्होंने बताया है कि वो गेंदबाजी करते समय स्टंप्स के पीछे इनमें से किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल में एक फैन के सवाल पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने बताया कि धोनी स्पिन के खिलाफ असाधारण थे, उन्हें बहुत कम विकेट कीपर के तौर पर स्पिन को मिस करते हुए देखा है। फैन ने अश्विन से धोनी, साहा और कार्तिक में से बेस्ट विकेट कीपर चुनने के लिए कहा था। अश्विन ने कहा, धोनी, साहा और डीके यानी दिनेश कार्तिक, इस ऑर्डर में आप जवाब ले सकते हैं, उन्हें स्टंप के पीछे नहीं रखना मुश्किल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मंगोल शासक कुबलाई खान ने 1271 में अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई। उद्योगपति विजय माल्या का जन्म 1955 में आज के दिन हुआ था। राजधानी दिल्ली में 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अज्ञात विमान ने 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया था। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वॉशिंगटन संधि संपन्न हुई। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थक लोक कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का निधन 1980 में आज के दिन हुआ था। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,920 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,920 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, महबूब आलम, मंटू कुमार, अंजनी कुमार, शिव नारायण, सविनय कुमार, विकी राज, रवि कुमार, मनजीत कुमार, राजीव कुमार, राम दिलीप, अशोक ठाकुर, रोहित मंडल, पवन निराला, श्रवण कुमार, अमरेंद्र यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सीएम नीतीश के समाज सुधार यात्रा से बिहार के लोगों पर कितना असर पड़ेगा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।